वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल्स। हमारे यूट्यूब चैनल्स आओ आगे बढ़े में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जी हम लोग कुछ चीज़ों में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो आप तो थंबनेल देखकर जान ही चुके होंगे किस में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं बता दूं, पहली से लेकर 12वीं तक का कि आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उस सारे इन्फॉर्मेशन को मैं अच्छे से इस वीडियो में आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बाकी चीज़ों को बताने से भी पहले पहला चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि टीचर्स कितने प्रकार के होते हैं। पहली से लेकर 12वीं तक कितने प्रकार के टीचर्स होते हैं, तो इसमें तीन प्रकार के टीचर्स होते हैं। तीनों का नाम पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है इसमें प्राइमरी टीचर, तो प्राइमरी टीचर्स पहला नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे होता है उसके बाद TGT, TGT का फुल फॉर्म होता है अपना ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। उसके बाद तीसरे नंबर पे होता है PGT मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब तीनों के बारे में आपको पता चल गया, तो अब डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ तीनों के बारे में। तो पहला नंबर मैं बोला हूँ यहाँ पास प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर्स बनने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है और कौन से क्लास को आप प्राइमरी टीचर बनने के बाद पढ़ाओगे, तो प्राइमरी टीचर बनने के बाद आप पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास को पढ़ाते हो। और इसमें आपको पढ़ाने के लिए क्या गवर्नमेंट्स की तरफ से क्या रूल है आपको टीचर बनने के लिए, ये बता देता हूँ मैं। पहला रूल तो यहाँ पास ये है कि आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। 12वीं पास, वो भी मिनिमम 50% से 50% आपको 12वीं में आना जरूरी है, कंपलसरी है। उसके बाद दूसरा स्टेप इसमें करते हैं, आपको बीएड करना है। बीएड कौन से कितने सालों का, 4 सालों का। बीएड क्या है जी, इसका फुल फॉर्म बता देते हैं आपको, बैचलर ऑफ एजुकेशन। और पहले जो रूल था 2020 से पहले एक रूल था गवर्नमेंट्स का, वो अब चेंज हो चुका है। पहले क्या रूल था, आप डिप्लोमा करते थे जिसको बोलते हैं अपना डीएड करके, तो डीएड का जो है वो वाला रूल अब कैंसिल हो गया, अब वो मान्य नहीं है आपके लिए। तो आपको क्या करना जरूरी है, कंपलसरी हो चुका है, अब बीएड करना आपको कंपलसरी हो चुका है। तो बीएड आपको 4 साल का करना ही है, किसके लिए, प्राइमरी टीचर बनने के लिए। ओके, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे टीचर की ओर। दूसरे टीचर मैं बोला हूँ यहाँ पास TGT, TGT मीन्स ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। आप कौन कौन से कक्षा को पढ़ा सकते हो ये बताता हूँ मैं। तो यहाँ पास आप 6वीं से लेकर 10वीं तक के क्लास को आप पढ़ाओगे। और इसके लिए क्या चीज़ की इलिजिबल जो टेस्ट जो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, वो आपको मैं बताता हूँ। तो आपको पहले तो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आप कौन से सब्जेक्ट से करते हो आप पे डिपेंड करता है। ग्रेजुएशन तो नॉर्मली सब लोग करती हैं, इसके लिए पहला चीज़ हो गया। और ग्रेजुएशन में आपका 50% मिनिमम कम से कम होना ही चाहिए। जब तक आपका 50% अगर नहीं मार्क्स नहीं आया है ग्रेजुएशन में, तो आप कोई भी आप डाल नहीं सकते हो इसके लिए, किसके लिए, TGT के लिए। तो नेक्स्ट चीज़ क्या, अब ग्रेजुएशन में भी आपका 50% है, अब आप करना भी चाहते हो, बनना भी चाहते हो TGT, तो नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें आपको बीएड करना है। अब नेक्स्ट बीएड जरूरी है, कंपलसरी है ये चीज़ तो, लेकिन इसमें आपको 4 साल की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको 2 साल करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, इस वजह से आपको सिर्फ 2 साल का बीएड की ज़रूरत पड़ती है। ओके जी, तो यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर का बोलते हैं अपना पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है PGT जिसको बोलते हैं अपन, वो 11वीं और 12वीं कक्षा को पढ़ाता है। 12वीं या फिर 11वीं कक्षा को पढ़ा रहा है, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए ना। तो आपको पोस्ट जो ग्रेजुएशन किए हो, कौन से सब्जेक्ट से किए हो, उस पर डिपेंड करता है। आप जैसे इंग्लिश से किए होगे, या फिर हिंदी से, या फिर साइंस से, आपको डिपेंड करता है। साइंस में भी अलग अलग रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा करके, तो उसके हिसाब से आपको फिर वहाँ पास 11वीं और 12वीं में क्लास में पढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका, उसमें भी मिनिमम 50% तो होना ही चाहिए। अब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, अब इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन बस कंप्लीट करने से बस नहीं होता, टीचर नहीं बन जाओगे आप, इसमें भी आपको बीएड करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल बना दिया है, एक पॉलिसी बना के छोड़ दिया है 2020 के बाद कि आपको इसके लिए बीएड करने की ज़रूरत ही है। तो बीएड कितने सालों का होगा, इसमें 1 साल का रहता है, क्योंकि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में टाइम दिया है, इस वजह से आपका टाइम बीएड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे करके 1 साल के लिए ओनली बोलते हैं। तो 1 साल का आपने बीएड कर लिया, और सभी का अब देखा जाए प्राइमरी टीचर, और नेक्स्ट बोले थे अपना ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, और तीसरा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तीनों को क्या चीज़ कंपलसरी है आपने पता चला, बीएड। और सबका अलग अलग टाइम ड्यूरेशन था, पहले प्राइमरी टीचर का 4 साल था, उसके बाद आपको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का 2 साल का था, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का 1 साल का था। अब इसके बाद क्या करें, आपने तो बीएड भी कर लिया, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गवर्नमेंट के टीचर बन चुके हो, अभी भी आपको कुछ चीज़ें और करना है। गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे लोग इसमें एग्ज़ाम दिलाते हैं और निकाल लेते हैं लोग, तो
ऐसी तो टीचर नहीं बना देंगे किसी को भी, थोड़ा टेस्ट लेकर देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग टीचर के लायक भी नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि एक टेस्ट निकालते हैं इन लोग के लिए, टेस्ट लेते हैं। तो उस टेस्ट को बोला गया है TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पास टीचर का देखते हैं कि वो एलिजिबल है कि नहीं है उस पोस्ट के लिए। तो इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। ऐसे तो दो प्रकार का टेस्ट होता है इसमें, एक स्टेट लेवल में होता है, स्टेट टेट टेट बोलते हैं उसको, और एक होता है सेंट्रल टेट। सेंट्रल मतलब आप कोई भी स्टेट में जाकर टीचर बन सकते हो, लेकिन जब आप स्टेट का टेट निकालते हो तो ओनली आप अपने स्टेट का भी, वहीं का बस आप क्या करोगे, टीचर बन जाओगे। ओके, तो जो टेस्ट है ये बहुत मतलब लोग नहीं निकाल पाते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो इसका प्रिपरेशन आप शुरू से ही कर दो, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप एक ही बार में निकाल लोगे। ऐसा ज़्यादा कुछ बड़ा एग्जाम होता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मतलब जो है निकाल नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग निकाल भी लेते हैं, ऐसा है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप टीचर बन गए हो, अभी भी आपको कुछ चीज़ें और जानना जरूरी है। लास्ट चीज़ और बता देता हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, जो आप टेस्ट का एग्जाम निकाल लिए उसके बाद गवर्नमेंट अगर आपके एरिया में कोई टीचर के लिए आप पोस्ट निकालता है, तभी आप उसमें फिर से अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि आपने टेट निकाल लिया है। जो टेट निकाले हैं, टेट के एग्जाम निकाले हैं, वही दिलाएंगे, नहीं निकाले हैं वो लोग नहीं दिला पाएंगे। किस वाले एग्जाम को, जो गवर्नमेंट ने पोस्ट निकाला है इस कक्षा के लिए, इस कक्षा तक का मैं पोस्ट पाँच, मतलब मान लो जाए मैं बोलता हूँ, मैं अगर गवर्नमेंट हूँ, जो कि नहीं हूँ मैं, अगर मेरे को लग रहा है कि 50 टीचरों की ज़रूरत है अपने एरिया में, नया स्कूल बना है तो ऐसे करके, तो फिर मैं क्या करूँगा, 50 टीचर के लिए मतलब एक पोस्ट अलाउंस कर दूंगा। उसमें फिर कौन लोग दिला पाएंगे, जो लोग टेट के एग्जाम निकाले हैं वही लोग जाकर उसको दिलाएंगे। अब आपको समझ आ गया होगा पूरा गेम कैसा होता है। ओके, तो ये सिंपल सा था इन्फॉर्मेशन। मैं आपको और कुछ चीज़ें बताता हूँ जी, जैसे कि अब यहाँ पास बहुत सारे लोग अभी के टाइम में एक दूसरे को देखकर चले जाते हैं किसके लिए, बीएड करने के लिए। तो यहाँ पास आपको भीड़ का देखते हुए ना जाने, आपको जब इंटरेस्ट है टीचिंग में, अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हो तभी आप यहाँ पास जाओ। ऐसे में आपको फालतू का जाने का कोई मतलब नहीं है। आप लालच में जाओगे किसी को देखकर तो ये आपके लिए नहीं है। ओके, तो आपको अगर सच में लगता है कि आपके लाइफ जो है, आप टीचर के स्किल में आप बेस्ट हो, तो आप अपने आप को पहले टेस्ट कर लो, किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा कर देखो, आप अपने आप को इम्प्रूव करो डेली बेसिस पे, तो आप यहाँ से क्या हो जाओगे, एक टीचर, अच्छे टीचर बन जाओगे। तो अब मैं यहाँ पास एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप अच्छे टीचर बनना चाहते हो तो आप मेरा एक और वीडियो है, इसको आप देख सकते हो, मैं ऑलरेडी उसको यहाँ पास अपलोड कर चुका हूँ। आप यहाँ पास मैं बेल आइकन पे दे दूंगा, शो कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो अच्छे से। और आपको बता दूँ कि अगर आप टेट का एग्ज़ाम भी नहीं निकाल पाते हो, क्योंकि वो तो लिमिटेड रहता है पोस्ट, तो अगर आप टीचर नहीं बन पाते हो मान लो जाए इन ड्यूरेशन, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको तो टीचर बनने से कोई रोक नहीं सकता, बस गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो कुछ चीज़ें बस में अप्लाई होगा। लेकिन आप चाहो तो प्राइवेट टीचर बन सकते हो, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ा सकते हो। प्राइवेट स्कूल में जाओगे, वहाँ पास पढ़ाओगे, तो आप गवर्नमेंट जो टीचर मिलता है उससे कई ज़्यादा कमा सकते हो। बस आपके स्किल होना चाहिए, टीचिंग स्किल, क्योंकि स्किल का ही पैसा मिलता है। ओके, तो अपना स्किल को इम्प्रूव करो, अच्छे से सीखो, ट्राई करो कि बाकी, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो आपके अंडर में बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो उन स्टूडेंट्स लोगों के लिए कुछ ज़रूर सोचना, उसको गाइडलाइन करें लाइफ के लिए, क्योंकि आप लाइफ चेंज करने जा रहे हो बहुत सारे लोगों का। तो याद रखना, आप दूसरे का लाइफ चेंज करने वाले हो तो आपको कम से कम उतना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा खुद के लिए। मैं बता दूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं खुद टीच करता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं निकाला है, मैं अपने से प्राइवेट मतलब पढ़ाता हूँ खुद का, मैं कोचिंग के थ्रू पढ़ाता हूँ। ओके, तो अपना कोचिंग क्लासेस लगाता हूँ और स्टूडेंट्स लोग को गाइडलाइन करता हूँ ऐसे, इसीलिए मतलब यहाँ पास इस चीज़ को मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो एक चीज़ और बता दूँ जी, अब इसके बाद एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें से आपको बताएंगे डिटेल के साथ कि कॉलेज के स्टूडेंट्स जो होते हैं उन लोग को कोई ना कोई तो पढ़ाते हैं, कौन लोग पढ़ाते हैं आप लोग को पता ही है, तो उनके लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और उसको पूरा डिटेल के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा से भी हेल्पफुल रहा तो हमारे वीडियोस को लाइक कर दो और उन लोग के साथ शेयर कर दो जिसको मतलब बहुत ज़रूरत है, जो टीचर बनना चाहते हैं और जिसको पता नहीं है कि क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है, तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू जी, आज का वीडियो में अपना यही था।